Hello guys, welcome to my channel Technobeats TV, and today I have taken the first topic which is very important for understanding of the entire GDNT, entire GDNT series. So here the name of the topic is the coordinate tolerance system, or we used to say this as a plus minus tolerancing system. Aur ye jo coordinate tolerancing system hai, ye abhi jaise hum GDNT system use karte hain koi bhi drawing banane mein, pehle कोऑर्डिनेट टॉलरेंस सिस्टम का यूज़ हम करते थे, हम जिसे प्लस और माइनस टॉलरेंसिंग सिस्टम भी बोलते हैं, राइट. सो पहले हम इसके ज़्यादा अंदर में घुसने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं. एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी अर्जेंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एंटायर थिंग. दिस द फर्स्ट टुडे लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हिस्ट्री में थोड़ा बात करते हैं. ये बात है कोई 1500 से लेके 1600 CE और AD, एक ही बात है दोनों, CE AD, ठीक है, इस टाइम की बात है. तो इस टाइम से पहले क्या था कि जो यूरोप के अंदर, स्पेसिफिकली ब्रिटेन के अंदर, चर्च डोमिनेट करता था. चर्च जो है डोमिनेट करता था. चर्च मतलब रिलीजन, आई वुड से, ठीक है, रिलीजन डोमिनेट करता था. किसमें? हर एक इकोनॉमिकल सोशल हर एक एक्टिविटी में जो था वो चर्च का उसमें बहुत ज्यादा मतलब डोमिनेट करता था, ठीक है, उसका डोमिनेंस था. तो कुछ भी वो करने नहीं देता था, जिसकी वजह से साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आई थी सोसाइटी के अंदर. लेकिन धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि ये जो चर्च है, ये जो रिलीजन है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है. मतलब यूरोप में ये इस टाइम पे ही मालूम पड़ गया था लोगों को. तो उनमें फिर जागरूकता आई. उस जागरूकता को रेनासेंस बोलते हैं, ठीक है, वहां जागरूकता आई, ठीक है. अब वहां पे जब जागरूकता आई, रेनासेंस हुआ, तो स्टेट ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने, या यूं कहें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. किसको? रिलीजन को. और ये करना भी चाहिए, जब तक आप रिलीजन को रिजेंटमेंट नहीं दिखाओगे तब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट का जन्म होगा ही नहीं आपके अंदर, ठीक है. तो जैसे ही स्टेट ने, लोगों ने रिजेक्ट किया रिलीजन को, तो तब किसका ओरिजिन हुआ? साइंटिफिक टेम्परामेंट. देखो गाइज, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी हिस्ट्री आपको जरूर थोड़ा इरेलीवेंट जरूर लगेगी, बट दिस इज़ नॉट इरेलीवेंट. ये समझने के लिए पूरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी एक फाउंडेशन बनाने के लिए. ये सारी चीज़ें आपको आई डोंट थिंक कहीं और मिलेंगी. मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है चीज़ों में, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू. तो वहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हुई. कब हुई? 1500 से लेके 1600 के बीच में, राइट. अब जब साइंटिफिक टेम्परामेंट हुई, तब क्या हुआ? तब बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, ठीक है, डिस्कवरीज होने लगी, साइंटिस्ट पैदा होने लगे, और इकोनॉमिकल और सोशल एक्टिविटीज में साइंस आने लगी. और जब साइंस आने लगी तो वहाँ इंडस्ट्रीज पैदा होने लगी. और ये जो 1600 ईस्वी का टाइम था, 1600 के ठीक बाद मैं जंप करता हूँ इन टाइम, आई वुड से 1830. ये वो पीक टाइम था जब
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यूरोप के अंदर, एंड स्पेसिफिकली आई वुड से ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, मशीनें बनी। मशीनें बनी तो जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री बनी तो मशीनें बनी। अगर मशीनें बनेंगी तो मशीनों के डिज़ाइन बनेंगे, और मशीनों के जब डिज़ाइन बनेंगे तो ड्राइंग्स बनेंगी। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि 1830 से लेके 1990 तक जितने भी ड्राइंग्स बनी, वो सारी की सारी कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग डायमेंशनिंग से बनी, डायमेंशनिंग से बनी, ठीक है, प्लस माइनस सिस्टम से बनी। अब इशू क्या आया इसमें, अब कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग में तीन मेजर इशू थे, ठीक है। अभी देखो, पहले तो एक और चीज बताता हूं आपको। पहले पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज छोटी होती थी, जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होती थी, स्मॉल होती थी। वहां पे क्या होता था, जो डिजाइनर है या यूं कहें ड्राफ्टर है, या यूं कहें मतलब ड्राइंग बनाने वाला जो बंदा है, अधिकारी है, ड्राइंग बनाने वाला अधिकारी जो है वो, और जो मशीनिस्ट है वो बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहता था उनका, रहता है मतलब आज भी छोटी कंपनीज में। तो यहां पर क्या है कि वहां पे जो डिजाइनर वहां जाके तीन काम कर सकता है। डिजाइनर वहां जाके सबसे पहला काम क्या कर सकता है, ही कैन एक्सप्लेन डिजाइन इंटेंट, डिजाइन इंटेंट इजीली, ठीक है। वो बता सकता है कि भाई ये मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है ये इस तरह से बनाई है, ठीक है, वो जाके सीधा बता सकता है। और उसकी वजह से, क्योंकि वो वहीं पे है, वहीं पे डिज़ाइन बन रहा है और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और प्रोडक्शन भी इतना लार्ज स्केल नहीं है, तो इजीली ये चीज़ मैनेज पहले हो जाती थी छोटी कंपनीज में, आज भी हो जाती है। दूसरा क्या था, जो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी पहले तो होता क्या है, एम्बिग्यूटी मालूम है क्या होता है, जब एक चीज को पढ़ के एक इंसान कुछ इंटरप्रिटेशन निकाले, दूसरा इंसान कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन निकाले, और तीसरा इंसान कोई तीसरा ही इंटरप्रिटेशन निकाले, दैट इज एम्बिग्यूटी, ठीक है। आई वुड से मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। तो जो एम्बिग्यूटी थी वो वहां पे सॉल्व हो जाती थी उस टाइम पे, छोटी कंपनीज में हो जाती है, आज भी हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग बनाने वाला भी वहीं बैठा है और मशीन चलाने वाला भी वहीं बैठा है, राइट। बट आगे हुआ क्या, आगे कुछ यूं हुआ, 1990 में हमारे 1992 की बात करूं मैं, एलपीजी रिफॉर्म आए, और नॉट ओनली जस्ट इंडिया, मतलब उसमें क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, आई वुड से ग्लोबलाइजेशन 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 हुई, और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हुई, ओपन मार्केट इकोनॉमी चलने लगी। तो उस टाइम पे फैक्ट्रीज बड़ी होने लगी, इंटरनेशनल लेवल पर प्रोक्योरमेंट होने लगी, डिज़ाइन कहीं पे बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे देश में जाके हो रही है, मतलब प्रोक्योरमेंट छोटे छोटे पार्ट्स ड्राइंग से सीधा बनवा मतलब बनवाने का वो दौर चल पड़ा। तो उस वजह से तो अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट। वहां पे ये जो एम्बिग्यूटी है, जो कि
कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग ने फैला रखी थी, ये इस एम्बिग्यूटी को एड्रेस करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। डिज़ाइन इंटेंट समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग में चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नीड अराइज हुई, एक ज़रूरत पैदा हुई, और उसी तभी हमारा ASME Y 14.5 मीट्रिक 1994 ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो किया जाने लगा, जो कि GDNT का, ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो होने लगा, जिसमें वो सारी एम्बिग्यूटी चली गई। अब यहाँ पे देखने समझने वाली बात ये है कि जो कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग है, इसकी कुछ कमियाँ हैं। देर आर थ्री मेजर शॉर्टकमिंग। For coordinate dimensioning. अब वो कौन सी है, ठीक है। जो सबसे पहली शॉर्टकमिंग है, यहाँ पे जो टॉलरेंस जोन मिलती है वो स्केयर होती है, स्केयर टॉलरेंस जोन। सेकेंड वन इज द फिक्स्ड साइज टॉलरेंस। अब स्केयर टॉलरेंस जोन का जो इशू है, ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। और जो सेकेंड जो शॉर्टकमिंग है, दैट इज द फिक्स्ड साइज टॉलरेंस जोन, फिक्स्ड साइज टॉलरेंस जोन। एंड थर्ड वन इज ambiguous instructions for inspection। जो बंदा इंस्पेक्ट करता है क्वालिटी वाला, वो वहां पे मोर देन वन इंटरप्रिटेशन चल रही है, ठीक है। अब GDNT ने सॉल्व कैसे किया इस चीज को, GDNT ने स्केयर टॉलरेंस जोन को राउंड टॉलरेंस जोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। सो अभी एकदम से यहाँ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं इसमें क्या करूँगा, इस वीडियो के ना तीन अलग और पार्ट बनेंगे। अब इस वाले को मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, इससे अगली जो आएगी, इस वाले को अलग दूसरी वीडियो में, इस शॉर्टकमिंग को अगली वीडियो में, राइट। सो स्केयर टॉलरेंस जोन का इशू था। अब सबसे पहले बात तो इशू ही क्यों था, मतलब तो ये समझना पड़ेगा कि स्केयर टॉलरेंस जोन में इशू ही क्या है। इससे क्या है कि इसकी वजह से होता क्या है, यूजफुल पार्ट रिजेक्शन, ठीक है, समझ रहे हो आप। स्केयर टॉलरेंस जोन जो कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग में हो रही है, उससे यूजफुल पार्ट भी रिजेक्ट हो जा रहे हैं। मतलब जो क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, एक पार्ट है, मतलब 100 पार्ट हैं, जिसने मान लिया 100 पार्ट्स है, 100 पार्ट्स का उसने इंस्पेक्शन किया, उन 100 पार्ट्स में से मतलब 10 पार्ट्स ऐसे हैं जो उसके हिसाब से रिजेक्ट हैं, बट वो असेंबली में फिट हो सकते हैं, राइट। 10 पार्ट्स वो सही हैं, बट फिर भी वो रिजेक्ट कर रहा है, तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस कर रहा है वो क्वालिटी इंस्पेक्टर जस्ट बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इसलिए, और वो जो रिजेक्टेड पार्ट GDNT में कंसीडर करे गए, कैसे कंसीडर करे गए, वो करे गए कंसीडर राउंड टॉलरेंस जोन यूज करके। कैसे करेंगे वो आगे आपको मालूम पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली।
फिक्स्ड साइज टॉलरेंस जोन। अब GDNT ने क्या किया, डायनामिक टॉलरेंस जोन, डायनामिक टॉलरेंस जोन, मतलब GDNT की हेल्प से हमें बोनस मिलता है और वो बोनस जैसे जैसे साइज MMC से LMC की तरफ डिपार्ट करता है वैसे वैसे हमें उतना ज़्यादा बोनस मिलता रहता है अपने पार्ट के अंदर। तो इसलिए वहाँ यहाँ टॉलरेंस जोन डायनामिक मिलती है, मतलब हर पार्ट के लिए अलग टॉलरेंस जोन, राइट। तो ये भी आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बट आप अभी के लिए याद रखो कि कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग में फिक्स्ड साइज टॉलरेंस जोन मिल रही है, बट GDNT ने क्या किया, डायनामिक टॉलरेंस जोन दिया हमें, ठीक है, बोनस के साथ। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट है, तीसरा जो है एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके कि इसमें क्या, इसमें अब अगर कोई पार्ट कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग से बना हुआ है तो उसके साथ क्या होगा, लेट मी टेल यू, ठीक है, ठीक है, दिस इज अ डायग्राम, राइट, लाइन डायग्राम। मान लिया ये एक पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट, ये पार्ट बना हुआ है किससे, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग से। अब कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग से जब ये पार्ट बनेगा और इंस्पेक्टर के पास आएगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास आएगा, जो अभी जब इसका इंस्पेक्शन होगा, कोई तो पहले इसको इसके कान से, कोई इस कान को पकड़ के इसको मेजरमेंट चालू करेगा, कोई इस कान को पकड़ के उसकी मेजरमेंट चालू करेगा, कोई हो सकता है इसके हेड को पकड़ के कोई मेजरमेंट चालू करेगा, कोई इसके लेग को पकड़ के करेगा, राइट। सो देर इज नो क्लैरिटी। और जिस भी साइड से क्वालिटी इंस्पेक्टर पकड़ेगा तो उसकी मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा ही आएगा, राइट। और वो डिफरेंस जब आएगा तो वहाँ पे गुड पार्ट जो हैं, जैसे असेंबली, जिससे हमारी, जिससे असेंबली चल सकती थी, वो पार्ट भी वो गलती से रिजेक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्शन कहाँ से शुरू करना है, किस पार्ट से मेजरमेंट चालू करनी है, वो कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग में नहीं पता लगता। बट GDNT ने क्या किया, ये थोड़ा फनी एग्जांपल मैंने दिया था ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे, नहीं तो इसको देने की जरूरत नहीं थी एज सच। और एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन, ये एम्बिगुटी थी, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन फॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मोर देन वन इंटरप्रेटेशन, मोर देन वन इंटर फॉर एवरी क्वालिटी इंस्पेक्टर, ठीक है। अब GDNT ने क्या किया, GDNT ने कमाल कर दिया, it has confirmed what confirmed, inspection method or sequence of measurement surfaces, so ऐसा हुआ, right? So ये अब देखो guys, इसमें ये तीन चीजें आ गई, तीन shortcoming है। The first one is the scare tolerance zone, जिसको round में कर दिया गया GDNT में, जहाँ पे fixed size tolerance zone मिलती थी, ठीक है, फिक्स्ड साइज टॉलरेंस जोन मिलती थी, यहाँ पे डायनेमिक टॉलरेंस जोन कर दी गई और बोनस इसमें दिया जाने लगा। और तीसरा, एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन फॉर एवरी क्वालिटी, क्वालिटी इंस्पेक्टर को डाउट रहता था कि भाई मेजरमेंट कहाँ से शुरू करना है, किस सरफेस को पकड़ के मुझे मेजरमेंट चालू करनी है, राइट। ये जो डायमेंशनिंग जो दी हुई है, ये किस सरफेस से दी हुई है, राइट। बट इसमें इट हैज कंफर्म्ड इंस्पेक्शन मेथड और सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट सर्फेसेस, ये ऐसा हुआ, राइट। सो
सो गाइस, ये जो पार्ट है ये हमारे पुराने वाले मेथड, मतलब कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग से ये बना हुआ है, कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग से बना हुआ है ये। इसमें जो तीसरे वाला पॉइंट मैं आपको, देखो अब स्केयर टॉलरेंस जोन वाला और फिक्स टॉलरेंस जोन वाला, तो आपको उसके लिए तो अगली वीडियो में आपको फुल एलाब्रेशन से समझाऊंगा मैं। अब तीसरे वाला थोड़ा मैं बता देता हूँ अभी। तीसरे वाला जो पॉइंट है कि एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन जब होगा इस प्लेट का, आप डायमेंशन देखिए, ये हाइट इसकी 55 है और इसका जो ये जो विड्थ है दैट इज़ फ्रॉम 20.25 से 19.75, ये वाली इसकी लिमिट्स हैं, ठीक है। अब जब इंस्पेक्टर इसको मेजरमेंट करना चालू करेगा, वो ये जो एक्स डायमेंशन है इसको मेजरमेंट करने के इसके कई तरीके हो सकते हैं। वो इस वाले सरफेस को इधर यहाँ पे एंगल प्लेट पे लगा के चेक कर सकता है, या फिर वो ऐसे लगा सकता है, राइट। सो यहाँ पे एक एक क्वालिटी इंस्पेक्टर आएगा, वो तो वो हो सकता है इसको ऐसे मेजर करे, और दूसरा वाला क्वालिटी इंस्पेक्टर हो सकता है इसको इस ओरिएंटेशन में जाके इसको इंस्पेक्ट करे। तो दोनों केस में तो जाहिर सी बात है हाइट गेज से वो चेक करेगा तो डायमेंशंस अलग अलग आएंगी, 100% अलग अलग आएंगी, देर इज मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, अलग अलग मेजरमेंट आएंगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी है, तो इस एम्बिग्यूटी को अगर तो ड्राइंग में ही स्पेसिफाई कर दिया जाए कि भाई इस वाले सरफेस से ही आप मेजरमेंट करो, ठीक है, तो इस टाइप से अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो बहुत बेटर है एक क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए भी, मतलब जिस भी क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास, जिस भी मशीनिस्ट के पास जाएगी, दैट गाय कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। सो ये वाली फैसिलिटी सिर्फ GDNT में है, ये कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग में ये चीज़ नहीं है। और इन तीनों पॉइंट्स को जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं दोस्तों, एक एक करके हम तीनों अलग अलग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। और गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी, मतलब अच्छी लग रही हो और आपको इन इनसे कुछ सीखने को नया मिल रहा हो, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई नीड आई मीन मोटिवेशन फॉर दीज वीडियो टू मेक, उनको बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है गाइस। सो आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपको ये जो राइटअप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर ये राइटअप भी चाहिए गाइस, तो आप मेरे को बता सकते हो। ये राइटअप भी मैं टेलीग्राम पे चैनल वैनल बना के ये राइटअप भी मैं आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ नीचे। अभी मैंने नहीं बनाया है बट मेरे पास अभी ये रखे हुए हैं इन माई सिस्टम। अगर गाइज ये राइटअप्स आपको चाहिए तो आप मेरे को बताओ, मैं टेलीग्राम चैनल एक बनाऊंगा एंड आई कैन पुट दीज डेटा फॉर योर हेल्प। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग ना ये जो मैं बड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें आप भी एक नोटबुक लगा लें, एक नोटबुक खरीद लें और उस नोटबुक पे वीडियो ऊपर, मतलब वीडियो के हिसाब से ये सारा का सारा अपने नोट्स तैयार कर लें। मैं लिख ही इसी पर्पज़ से रहा हूँ, सो दैट यू वुड एबल टू, अगर देखो मैं PPT लगा के भी समझा सकता था उसमें, मतलब ना तो उसमें कोई वीडियो रिटेंशन रहता है ब्रेन में, तो इसीलिए मैं ये ऐसे इस टाइप से डिजिटली पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ PPT बनाना इज़ वेरी इजी, बट PPT में ना समझाने की उतनी ज़्यादा मतलब फ्रीडम रहती है, दैट इज़ वाई आई मतलब ये पाथ मैंने चूज किया। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आई विल एक्सप्लेन स्केट ऑरेंज जोन। थैंक यू सो मच।